इस लिंक को आप सब जिनके भी फोन में दीक्षा ऐप में वीक वाइज एक्टिविटीज नहीं खुल रही हैं वो एक काम कर सकते हैं, वो इस लिंक को कॉपी करें यहाँ से, उसके बाद जाकर इसको अपने ब्राउजर में पेस्ट कर दें और इसको जब हम हिट करेंगे तो इस तरह से ब्राउजर में हमारा दीक्षा ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर देखें, क्योंकि मैंने ब्राउजर में भी अपना लॉगिन किया हुआ है इसलिए यहाँ पर पी लिखा हुआ दिख रहा है, आपके में जी लिखा हुआ आएगा यानी कि गेस्ट। तो आप उसको क्लिक करें और यहाँ से जहाँ से ये लॉग आउट हो रखा है यहाँ से लॉगिन करें और अपने स्टेट सिस्टम के द्वारा आप उसमें अपना EHMRS कोड डालकर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें तो ब्राउज़र में ये खुल जाएगा। और जब ये ब्राउज़र में खुलेगा तो हमें 12 वीक्स तक की सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। तो हम 8th वीक खोलेंगे, मॉर्निंग सर्किल है, भाषा और साक्षरता कौशल है, इसमें देखेंगे आज एक कहानी है, ऐसे क्लिक कीजिए। फिर जब हम यहाँ खोलेंगे तो ये हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा और आज हमारी मगरमच्छ की कहानी है। आप इसको दोबारा रिप्ले करेंगे तब ये चल पड़ेगा। मगरमच्छ की कहानी चलती है। इस गतिविधि से बच्चे कहानी के बारे में अपनी राय बनाकर उस हम ये आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद आप बैक जाएं, फिर आप 8th एक्टिविटी कला संबंधित एक्टिविटी को जब क्लिक करेंगे फिर ये ऊपर आने लगेगी, हम इसको क्लिक करेंगे। हो सकता है पहली बारी में ना चले। नमस्कार, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कार्य जिसका नाम है फूल और पत्तियों से रंगोली बनाना। यह कार्य करने से अगर ये सब करने पर भी आपके ये वीडियोस ना चलें तो कृपया मुझे ग्रुप पर ही बता दें ताकि मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे सकूं, ताकि हमारा काम ना रुके। अब हमारा नेक्स्ट है गणित EVS वैज्ञानिक सोच, इसको भी जब हम ओपन करेंगे। आज की गतिविधि है संख्या की गतिविधि। इस गतिविधि के लिए हमें अंक। अब आप ये वीडियोस देखकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी किसी की में नहीं खुलती है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आगे इसको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये बाहरी खेल है। ये देखिए, अगर ऐसा हो जाए वापस से रिप्ले करेंगे तो पूरी खुल जाएगी। नमस्कार, आज की गतिविधि का नाम है रेलगाड़ी खेल। यह कार्य करने के लिए और बाकी हमारी मॉर्निंग एक्टिविटी और हमारी गुड बाय सर्किल टाइम सेम टू सेम ही है, बाकी आप और ओपन करके देख सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अगर अब भी नहीं खुलती है दीक्षा ऐप तो प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कर दें ग्रुप पर।